एक मंजिल जो सनातन धर्म की ओर तुमको लेकर चले जाए। कथाकार बड़े, भीड़ बड़ी, यज्ञ बड़े, धार्मिक कार्यक्रम बड़े, अनुष्ठान बड़े, सब कुछ बड़ा, पर एक अंदाजा लगा कर बैठो इन बढ़ने में भक्ति कितनी बड़ी, वो देखना है हमें कि भक्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। और खुशी इस बात की होती है जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल की ड्रेस पहनकर जब पास के शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तब समझ में आता है कि भीड़ के साथ भक्ति बढ़ी है। तब भक्ति का प्रतिबिंब बढ़ गया, तब भक्ति बढ़ी है। शिव मंदिर जाने में हमारी नवयुवक बहुएं, बेटियां, ये नवयुवक जो पहले के बुजुर्ग माताएं मंदिर जाती थी, पर आज नवयुवक बेटियां, नवयुवक बहनें, बहुएं, बेटियां, ये नवयुवक, इनको अब नहीं रही कि हम शर्म करेंगे। आप तो अगर भगवान की भक्ति में जा रही है तो एक लोटा भरकर घर से, मम्मी अभी आई और चली गई, सास अपने काम में लगे, बहू सबसे पहले नहा धो स्नान करा, रसोई घर में बाद में जाए, पहले लोटा भर के शिव जी के मंदिर पहुंच जाए, अभी आती हूँ जल चढ़ा के, थोड़ा सा लोटे में जल भी भर लई और एक बेलपत्री भी ली, ने सास का मुंडा में पानी भी दे दिया। ले सास के कही करे, कहीं जादू करिया ही कहीं नहीं। उस शिवर वाला महाराज ने बोला था, शिव जी पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा आचमन कर लिया करो, उस आचमन का जो फल है वो जिंदगी में कहीं नहीं मिल सकता, जो शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्री का पान का जो फल है वो जीवन में नहीं मिल सकता। एक पत्र में आया है, रेखा मोहनलाल जी सोनी, सब्जी मंडी शामगढ़, जिला मंदसौर, अपना मोबाइल नंबर भी आपने लिखा है, जहां कहीं बैठी हो हाथ हिलाइएगा जरूर, जहां भी बैठी हो आप ही हैं, दोनों हाथ हिला देगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत लंबा चौड़ा पत्र लिखा है जी जी, एक तो धन्यवाद आपने लिखा है। दीदी मैं रेखा मोहनलाल सोनी, सब्जी मंडी शामगढ़, जिला मंदसौर से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव गुरुदेव, पिछले 2 वर्षों से रजस्वला धर्म से बहुत परेशान थी, अनेक डॉक्टरों को दिखाने पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, अंत में मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा, मैं भी बहुत परेशान हो चुकी थी, यहाँ तक कि मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाती थी और मैं ऑपरेशन के लिए अस्पताल पहुँच गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन से पूर्व एक बार सोनोग्राफी करवाई, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि आपकी बच्चेदानी के मुँह पर गठान है और वो कैंसर की गठान है, संभवतः 90% की वो कैंसर ही है, और मुझे अहमदाबाद दिखाने के लिए कहा। मैं 1 सितंबर 2022 को अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में गई, जहां डॉक्टर ने मेरी जांच करके मुझे कैंसर बता दिया और 15 दिन बाद आने को कहा। इसी बीच बाबा कुबेरेश्वर के धाम पहुंच गई और रुद्राक्ष लेकर आ गई, कुबेर भंडारी का रुद्राक्ष सीहोर से जब लेकर आई, उसको गलाकर उसका पानी शिवजी को चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ किया, पशुपतिनाथ व्रत करना प्रारंभ कर दिया और आपके वचन पर, शिव महापुराण पर विश्वास किया। 15 सितंबर 2022 को मैं अस्पताल गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन से पूर्व एक बार फिर से जांच के लिए कहा, उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गया कि आपके गर्भाशय में कोई गठान नहीं है और कैंसर भी नहीं है, ना गठान है ना कैंसर है, यहाँ तक कि जो बच्चेदानी का ऑपरेशन होना था उसकी भी कोई जरूरत नहीं है और अब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। डॉक्टर की रिपोर्ट भी मैंने फोटोकॉपी पीछे लगाई है, आप बड़े बड़े डॉक्टर को चेक करा सकते हैं कि पहले मेरे गर्भाशय में गांठ थी और बाद में गर्भाशय से गांठ गायब हो गई, उसकी रिपोर्ट मैंने पीछे डॉक्टरों की लगाई है। ये डॉक्टरों की रिपोर्ट है जिसको आप देख सकते हैं टीवी पर भी और यहाँ पर बैठे हुए सभी भक्त भी, ये पूरी जाँचें आपने लगाई, श्री शिवाय। अब ठीक है बाबू, आराम तो है पक्का, बस बाबा की कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए, हर हर महादेव। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और एक जरा सा शिवजी पे चढ़ा हुआ जल का महत्व क्या है, कभी अपनी जिंदगी में उसको ग्रहण कर देखना। पीछे जितने लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है, आप लोग जहां जगह मिलती जाए वहां बैठते जाओ, टेंट में अगर जगह नहीं है तो टेंट के बाहर जमीन पर भी बैठोगे तो कंकर शंकर है, आप चिंता ना करिए, बैठ जाइए बस। अपने जीवन का एक आनंद, आपके जीवन का एक सुख, एक आनंद वो प्राप्त होना चाहिए। क्यों जा रहे हैं हम शिवजी के मंदिर, क्यों जल चढ़ा रहे हैं भगवान शंकर के मंदिर में, क्यों बेलपत्र चढ़ा रहे हैं हम शिव मंदिर में? पहले लोग शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाकर आते थे, वो बेलपत्र निर्माल्य में उठ जाती थी
नदियों में जाकर विसर्जन हो जाती थी। अब किसी शिव मंदिर के पुजारी जी से, पंडित जी से पूछा जाए क्या बेलपत्र आपको शंकर मंदिर में बची हुई मिलती है, तो पुजारी जी कहते हैं हम तो लोगों से कहते हैं एक तो पड़ी रहने दो, वो भी उठा के ले जा। अरे महाराज, इस बेलपत्र में क्या गुण है, क्या आनंद है, ये दुनिया के लोग समझ नहीं सकते। जो जो जान गया, और आपसे भी इस व्यासपीठ से कहते हैं अगर शुगर ऊपर नीचे हो रही है, बहुत शुगर है, हाई पर जा रही है, लो पर जा रही है, उसको डॉक्टर भी कह रहे हैं कि इसका कंट्रोल करना, और इंजेक्शन ले रहे हो, दवाइयां ले रहे हो, रोज प्रतिदिन इंसुलिन लेना पड़ रहा है, तो मेरा निवेदन है एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करो, और अगर बेलपत्र खाने से मुंह में छार छार हो जाए, छाले पड़ जाए, तो आप उसको शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लाओ, सुखाओ, पीसो, और चुटकी भर प्रतिदिन खाना चालू करो। 4-5 दिन खाकर देखना और शुगर की जांच करवा कर देखना लेवल में आई कि नहीं आई। अभी तो हम मंदसौर में ही है, कहीं गए भी नहीं है, यही है वो लेवल में आई कि ना आई। कोई साधारण नहीं कुंदकेश्वर महादेव का नाम, कोई साधारण नहीं शिव महापुराण की कथा जो आप इतने तपोल बल से श्रवण कर रहे हो, इतना दूर दूर से आकर कहां गाड़ियां रोकना और कहां से पैदल चलकर यहां तक आना, उसके बाद भी धूप में खड़े रहना, बैठना, अपने आनंद के साथ कथा का रसत्व ग्रहण करना बड़ा कठिन है साहब। दुनिया के लोग कहते हैं हम नवरात्रि में नंगे पैर चलते हैं, कोई कहता है हम व्रत रखते हैं, कोई कहता है हम ये करते हैं, कोई कहता है हम वो करते हैं। आप भी अपनी छाती ठोक कर कह सकते हो कि हम भी 3 घंटे तप करते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। हम भी जाते हैं यहां से बहुत दूर कथा सुनने के लिए, धूप में बैठते चलते और कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं। आप भी कह सकते हैं सहज नहीं शिव पुराण। आप जो समर्पित कर रहे हो बचपन जवानी अधेड़ी निकल गया, बुढ़ापा बिगड़ने मत दो। थोड़ा सा भी अगर समय अपने को अच्छा मिल रहा है, घर के लोगों से कह देना है कि मुझे सत्संग में छोड़िया, मुझे कथा में छोड़िया, मैं कथा सुनूंगी, मैं कथा श्रवण करूंगी। खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। अब मेरा मन नहीं लगता, मुझे कथा सत्संग के सिवाय कहीं रुचि नहीं रही, और मेरा विश्वास कहता है जितने लोग इस कथा में बैठे हैं इसमें से कम 80% लोग ऐसे हैं जो जब तक कथा नहीं टीवी पर तब तक इनकी बेचैनी समाप्त ही नहीं होती, ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है। यहाँ जितने बैठे हैं कितनी आस लगा लगा कर, कितनी घंटों से कब से, कोई साज नहीं है शिव कथा। शंकर भगवान के होना, शिव तत्व में डूबना कोई सरल है। रहो परिवार में, कुटुंब में रहना जरूरी है, परिवार में रहना जरूरी है। कोई तुमसे कहे कि तुम संत बन जाओ बिल्कुल मत बनना, कोई तुमसे कहे साधु बन जाओ बिल्कुल मत बनना, कोई तुमसे कहे गुरुजी बन जाओ बिल्कुल मत बनो, कोई तुमसे कहे कि तुम नर्मदा के घाट पे जाके बैठ जाओ, तुम तो बैठना ही मत ही, नहीं जाऊं मैं तो घर छोड़ के कहीं पे भी। कोई तुमसे कहे गंगा के घाट जाकर बैठ जाओ, कहीं दादा तू ही बैठ जा, मैं तो नहीं जाऊं। कोई तुमसे कहे कि अपना घर छोड़कर वानप्रस्थ में चले जाओ, तो कहना मैं तो नहीं जाऊं, तू ही जा, मैं कहे को जाऊं। दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। घर के अंदर रहिए, परिवार में रहिए, कुटुंब में रहिए, और अपने परिवार में घर में रहकर अपने परिवार को श्रेष्ठ संस्कार दीजिए। नर्मदा और गंगा के घाट पर बैठकर तो कोई भी तप कर सकता है, सबसे बड़ा तप होता है कि घर में रहो। इधर से बहू 2 शब्द कह रही है, इधर से बेटा चिल्ला रहा है, इधर से पोता चिल्ला रहा है, इधर से पत्नी कुछ बोल रही है, इधर से पति कुछ बोल रहा है, 4 दिन ननंद आई तो वो कुछ कहकर चली गई, इधर से सास चिल्ला रही है, इधर से कुटुंब वाले चिल्ला रहे हैं, कहीं इधर इसका टेंशन, कहीं उसका टेंशन। घर में रहकर गंगा के घाट पर कौन सा टेंशन है, पड़े रहो, 2 रोटी खाते रहो, ने माला जपते रहो, ने गंगा की डुबकी लगाते रहो, तुम्हें कौन सा टेंशन। बाहर जाकर तो कोई भी तप कर सकता है, गंगा के घाट पर बैठकर तो कोई भी साधना कर सकता है, नर्मदा के घाट बैठकर तो कोई भी भजन कर सकता है, पर घर में रहकर परिवार वाले टांग खींचे, पांव खींचे, बोले अपशब्द बोले, और उस बीच में तुम भगवान की पूजन सेवा भजन और शिव महापुराण की कथा सुनकर बताओ, तब लगे कि संत का जीवन इसको कहते हैं। कोई ऐसा ही जीवन हो गया, कोई जीवन ऐसे हो गया क्या, कितना तप बल है, कितना। कितना तप बल,
बहुत कठिन है, बहुत कठिन। संत साधु गुरु ये सब बनना एक अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, पर सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम है। परिवार में रहिए, कुटुंब में रहिए और अपने परिवार को संस्कारवान बनाने का प्रयास करिए। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, पिता और माता में बहुत अंतर होता है। पिता का काम है आपको अच्छी शिक्षा देना, पिता का काम है आपके लिए कपड़ों की व्यवस्था करना, पिता का काम है आपके लिए कमाकर जायदाद बनाना, पिता का काम है आपको अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, अच्छा देना, अच्छी शिक्षा देना, विद्या प्रदान कराना, यह पिता का काम है। पर पिता से बढ़कर माँ का काम सबसे ज्यादा होता है कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना। बच्चे कहीं लाइन से भटक तो नहीं रहे, कहीं लाइन से जा तो नहीं रहे। एक माँ बेटी के व्यवहार से पहचान जाती है कि बेटी किधर जा रही है। पर माँ अगर नजरअंदाज कर दे तो बेटी भी सोचती है मेरी माँ कुछ नहीं बोल रही है। पर माता ये जानती है, माँ अपने बच्चों को संस्कार श्रेष्ठवान दे सकती है। वो समझा सकती है, वो कह सकती है। जब जब बेटा और बेटी में अभिमान आए, अहंकार आए, तो माँ एक सामने खड़ी होकर कह दे कि अभिमान किस चीज का कर रहे हो? तुम्हारे पिता के पास में जायदाद है तो गाड़ी का अहंकार कर रहे हो? माँ अपने संबोधन में कह देती है, टेंशन मत लेना, 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार पहुंच जाता है और 25 लाख की गाड़ी घर में पड़ी रह जाती है। क्या करोगे उस गाड़ी का? धन दौलत संपदा से बच्चों को समझाओ। हम कई बार कहते हैं अपने बेटों को, तुम पिंजरे का शेर मत बनाना, जंगल का शेर बनाना। पिंजरे का शेर बनाने का प्रयास मत करो, बच्चों को बड़ा कठिन है जंगल के शेर में और पिंजरे के शेर में। बच्चों को कह दिया अपने यहां पर इतना धन है, मेरे पास में बहुत प्रॉपर्टी है, एक प्लाट वहां पड़ा हुआ है, एक प्लाट वहां पड़ा हुआ है। अपने बच्चों को बता दिया यहाँ प्लाट वहां प्लाट, यहाँ मकान वहां दुकान, ये है धन है, बैंक में पैसा पड़ा है, इतना रुपया पड़ा है, उससे 5 लाख लेना है, उससे 2 लाख लेना है, उससे 4 लाख लेना है। ये अपने बेटों को क्यों बता रहे हो? अपने बच्चों को क्यों बता रहे हो? और बताने के साथ में अगर बता भी दिया तो कह दो ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हें अपनी मेहनत करना है। सर्कस में शेर आते थे, जब सर्कस में शेर आए तो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, और गवर्नमेंट ने ध्यान दिया तो वन विभाग वालों ने ध्यान देकर कहा कि ये सर्कस में शेर में नहीं आना चाहिए, पशु पक्षी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सारे शेर हटाओ। तो जंगल के जितने शेर थे उन सारे शेरों को सर्कस वालों से छुड़ाकर जंगल में छोड़ा गया। जब जंगल में शेरों को छोड़ा गया, 5 शेर जंगल में जब छोड़े गए, इन 5 शेर को छोड़ा और एक एक शेर का शिकार जंगल में रहने वाले जंगली कुत्तों ने कर लिया। एक एक शेर को 6-6, 7-7 कुत्तों ने घेरा और उस शेर को मार दिया। जब खबर मिली वन विभाग वालों को तो वन विभाग वालों ने पता करा कि यहां शेर थे, वो कहां गए? तो कहा उनको तो कुत्ते मार दिए, शेर को कुत्तों ने मार दिया। हाँ, शेर को कुत्ते ने मारा है? हाँ हाँ, शेरों को कुत्ते ने मार दिया। और शेर को कुत्तों ने जब मारा, ध्यान आया, तब स्मरण किया गया, तब स्मरण आया, और शेर का शिकार कुत्ते कर गए, शेर का शिकार कुत्तों ने कर दिया, ये विचार करा गया, ये विचार में आया। और शंभु शरणे मांगू घड़ी घड़ी दुख काटू, दया करी ने दर्शन आओ। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख का
दया करी ने दर्शन आपो। विचार किया कि ये शिकार कुत्तों ने कर दिया। हाँ सा, तो का कैसे? तो मालूम पड़ा कि जो शेर जंगल का था उसको पिंजरे में रख दिया गया था, और पिंजरे में रहते रहते उसको पिंजरे में खाने की आदत पड़ गई थी, पिंजरे में रहने की आदत पड़ गई थी, वो शिकार करना भूल गया, वो शिकार करना भूल गया, इसलिए कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया। शिव महापुराण की कथा कहती, हम अपने बच्चों को पिंजरे का शेर ना बनाए, सब चीज उसको दिए जाओगे, सब चीज दिए जाओगे तो जब वो बड़ा होगा और आप रहे ना रहे उसके पास में प्रॉपर्टी धन दौलत सब कुछ होगा, और मालूम पड़े बहुत सारे कुत्ते मिलेंगे जो शेर का शिकार करना चाहेंगे, ऐसे बहुत मिलेंगे कि तुम्हारी प्रॉपर्टी को देखकर, तुम्हारी दौलत को देखकर, तुम्हारे वैभव को देखकर तुमसे दोस्ती कर लेंगे, और दोस्ती कर तुम्हारी प्रॉपर्टी को एक दिन शेयर मार्केट में या डब्बे में लगा देंगे और पूरा बर्बाद कर देंगे और तुम्हें नीचे लाकर छोड़ देंगे, तुम्हें नीचे लाकर छोड़ देंगे। अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाना है, अपने बच्चों को फिर श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना। हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? केवल भय दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? केवल भय। वहां मत जाना, क्यों गया उनके बीच में, क्यों गया वहां पर? अपने बच्चों को यह समझाना है, सनातन धर्म की बारी आए, और सनातन धर्म की जब बारी आए, हिंदू धर्म की जब बारी आए, और राष्ट्र उत्थान की जब बारी आए, तब घर में मत बैठे रहना, घर से निकलकर बाहर खड़े होना और इस राष्ट्र उत्थान के लिए कुछ करने का प्रयास करना। ये हमारे बच्चों को हमें सीख देना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं देगा। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये साधारण सी धरा है ही नहीं, ये वो वसुंधरा है जहां वीर जन्म लेते हैं। एक शब्द वेदी बाण दशरथ जी ने चलाया था, एक शब्द वेदी बाण अर्जुन ने भी चलाया था, और लोग सोचे कि अब शब्द वेदी बाण कलयुग में होगा नहीं, तो एक शब्द वेदी बाण पृथ्वीराज चौहान ने भी चलाया था, वो भी नहीं चुका था। कहने वाले ने तो केवल कह दिया था, इतने गज पर है सुल्तान और तैयार हो जा पृथ्वीराज चौहान, और उस समय वो तैयार हो गए। एक शब्द वेदीमान, लोग कहे कि कलयुग में शब्द वेदीमान आ सकता है, क्यों नहीं होगा? आप अपने शब्दों का वो बाण चला सकते हो, आपके शब्द बड़े विचित्र हैं, इन शब्दों के बल पर आप वीर से वीर को शून्य कर सकते हो, और इन शब्दों के बल पर एक शून्य को भी वीर के पथ पर लाकर बिठा सकते हो, ये शब्द कोई साधारण नहीं हो सकते। उस समय बाण चलता था, इस समय शब्द चलते, उसको पहचाना जाए, जाना जाए। ब्रह्मा जी के मन में संशय हुआ, उन्होंने अपने पिता भगवान विष्णु से कहा, विष्णु जी ने कहा क्या बात है ब्रह्मदेव? ब्रह्मा जी कहते हैं आपके पिता कौन है, हमें जानना है, हमें पहचानना है, आपके पिता कौन है? राम जी के पिताजी, भगवान कृष्ण के पिताजी, भगवान विष्णु के पिताजी, भगवान ब्रह्मा के पिताजी, भगवान दत्त के पिताजी, और जितने भी हैं उनके भी पिताजी का नाम हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में है। केवल एक के पिता का नाम नहीं है, वो है देवाधिदेव महादेव के पिता का नाम। और तुम्हें कहीं मिल जाए कि महादेव के पिताजी कौन थे, तो हमको पत्र लिखकर जैसे इनने भेजा ऐसे तुम भेज देना कि महाराज हमने सुना है कि शंकर जी के पिताजी ये हैं, तो हम भी एक बात पढ़ लेंगे कि कौन से पुराण में मिला कि शिव जी के पिताजी ये थे। शिव के पिता कौन? स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपके पिता कौन है, भगवान विष्णु से पूछा। भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता महादेव। महादेव के पिता कौन है? तो भगवान विष्णु भी उस समय पर मौन होकर कहते हैं
जो सृष्टि का पालन करता होता है, सृष्टि का संचार करता होता है, सृष्टि का संहार करता होता है। ब्रह्मा जी आपको संचार की व्यवस्था दी है, विष्णु भगवान कहते हैं मुझे संचार की व्यवस्था दी है, शंकर भगवान को संहार की व्यवस्था दी है, पर यह मत सोचना कि शिव जी के पास केवल संहार है, शंकर भगवान के पास में संचार भी है संहार भी है, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में है। अगर एक रोग भी तुम्हारे शरीर में आ गया, आपने अगर शंकर जी की भक्ति श्रेष्ठता में करी है, तो निश्चित है वो रोग भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको समाप्त होना पड़ेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। जो शिव का उपासक है वो सम्मुख में आकर खड़ा तो होए। पूर्व के जितने युद्ध हुए, पूर्व में जितने युद्ध करे जाते थे, चाहे राम जी के समय पर युद्ध हुए हो, चाहे भगवान कृष्ण के समय पर युद्ध हुए हो, चाहे भगवान विष्णु के समय पर युद्ध हुए हो, चाहे जितने युद्ध पूर्व समय में हुए हैं, एक एक युद्ध को उठाकर देखिए, जब जब सेना चलती थी तो एक आवाज लगाकर चलती थी, हर हर, केवल एक आवाज लगाकर चलती थी। क्यों? क्योंकि उस हर हर महादेव की गर्जना इतनी तेज होती थी, जब सारे सैनिक एक साथ हर हर महादेव कहते थे, तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, स्कंद पुराण कहती है, जब हर हर महादेव कहा जाता था, ये हर हर महादेव शंकर भगवान ने माता गंगा को दिया है। जब गंगा तप कर 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 थक गई, तब भगवान शिव ने कहा था, गंगा चिंता मत कर, मेरा हर हर नाम तेरे नाम से जोड़ा जाएगा। तो हर हर महादेव से गंगा जी ने पूछा, होता क्या है? शिव जी कहते हैं, अगर युद्ध के मैदान में भी अगर एक वीर सैनिक भी हर हर महादेव कहकर टूट पड़ेगा, तो ये निश्चित है गंगा कि हर हर महादेव कहने के बाद दुश्मनों के गर्भ में भी अगर बच्चा होगा तो वो भी गिर पड़ेगा। ये हर हर महादेव की वो गर्जना है। जब दुश्मनों के गर्भ का बच्चा भी हर हर महादेव से गिर सकता है, तो तुम्हारे भीतर जो पाप काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा जो भरी हुई है, वो क्या समाप्त नहीं हो सकती? जो रोग अंदर समाते जा रहे हैं, किसी का किडनी गड़बड़ हो गया, किसी का लीवर गड़बड़ हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी का शुगर हो गया, किसी का बीपी हो गया, ये आया कहां से? ये बीपी शुगर कहां था? अब तुम्हारे पास में नाद्वारा लगा है, जरा जाके तो देखो कि भगवान से पूछो, एक बार भगवान के लिए थोड़ा सा कुछ प्रसाद बना और उसमें 70 कम गिर गई तो भगवान ने नी खाई। भगवान कहते मुझे तो चोगना चाहिए 250 ग्राम, मावा ने 2 किलो शक्कर। नाद्वारा वाला मेरा श्री जी बाबा कहे मैं तो चोगना मीठा खाता हूं और तुम मुझे भीखा दे रहे हो, मुझे चोगना मीठा चाहिए। तो तुम तो मंदसौर के निवासी हो, इधर सांवरिया सेठ नाद्वारा चार भुजा जी सब तुम्हारे पास में, जितना देवता आजू बाजू बैठा है सब खाया पिया, सारी दुनिया के शिवलिंग देख लो और मंदसौर का शिवलिंग देख लो, भगवान मंदसौर का पशुपति नाथ भी कह रहा है अच्छे जाड़े तगड़े रहे और जोरदार रहे हो, उसमें क्या दिक्कत? टेंशन लेकर मत जियो। महादेव भी कह रहा है कि देखो मैं टेंशन में नहीं बैठा, बड़ी मस्ती में बैठा हूँ। चार मुद्रा वो अपनी दर्शन देते हैं, बचपन की अलग, जवानी की अलग, अधेड़ी की अलग, बुढ़ापे की अलग। उनने पूरी मुद्राओं का दर्शन देते देते भी सब सीख दे दी तुमको पशुपतिनाथ ने। जब बुढ़ापे की मुद्रा आई तो उनका चेहरा यहाँ से उठ गया, ऐसा लग रहा था कि मुंडा का सारे दांत चले गए और चेहरा थोड़ा सा झुक गया, बड़ा हो गया। तो तुम एक एक मुद्रा का दर्शन तो करो, वो अपने को सीख दे रहा है। इधर सांवरिया सेठ सीख दे रहे हैं, उधर बैठे हुए नरसिंह भगवान श्री जी बाबा सीख दे रहे हैं, हर तरह का सीख। सांवरिया सेठ बाजू में लगा है, बार बार तुमसे कह रहा है अपने आप को सेठ मत समझना रे। फिर कह रहा हूं सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी के जितने सब डुप्लीकेट, सेठ एक ही है। तुम टेंशन में मत लेना हो कि तुम सेठ हो, और अगर तुम सेठ हो तो किसी नानी भाई का 56 करोड़ का मायरा भर के बता दो, किसी द्रौपदी का चीर बड़ा कर बता दो। तुम सेठ हो तो किसी का कुछ भला करके बताओ, अपने बच्चों के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए तो दुनिया करके जाती है, जितने मरे उनने किसने दूसरों के लिए कर दिया, सब अपने परिवार के लिए करा। तुम सांवरिया सेठ जैसे बनना चाहते हो तो तुमने दूसरे के लिए क्या करा? इतनी बड़ी कथा चल रही है, किस किस ने पोया समोसा बढ़वाया, किस किस ने खिचड़ी का प्रसाद बढ़वाया, किस किस ने पानी पिलवाया, ये तो वहां लिखा जा रहा है कि तू कितना बड़ा सेठ है कि डुप्लीकेट है, ये तो वहां लिखा। परिवार के लिए तो कोई भी करके चले जाएगा, नाते रिश्तों के लिए तो कोई भी करके चले जाएगा, कुटुंब के लिए तो कोई भी करके चले जाएगा, तुमने कितना करा वो लिखाता है वहां। दो कदम चलना है तो भी विचार करना है। देखिए हम समिति वालों से एक बात कह दे रहे हैं, हम डोनेशन जब देंगे जब हमारी गाड़ी बिल्कुल पास में लगाना, बिल्कुल पीछे जहां पास से रास्ता हो वहीं से आएंगे, हमारी गाड़ी दूर नहीं होना चाहिए। साहब ठीक है आप दे तो दो, हम तुम्हारी गाड़ी पास में लगा देंगे। तुमने यहां तो गाड़ी पास लगा ली पर वहां दूर हो गई, वहां दूर। ये भगवान से कहा अंत समय में, प्रभु मैंने तो गाड़ी पास लगाई थी। भगवान बोले गाड़ी लगाने से क्या होता है, कथा में दिल कितना लगाया,
कथा में दिल कितना लगाया, गाड़ी लगाने से कुछ नहीं होता, दिल लगाना पड़ता है, चित्त लगाना पड़ता है, वृत्ति लगाना पड़ती है, मन लगाना पड़ता है। आ तो गए, बहुत लोग आए, ढेर पड़े वहां तक पीछे तक, तुम अंदाजा लगा कर देखो कि जो टेंट लगाया था वो भी भरा पड़ा, उसके पीछे गाड़ियां खड़ी हैं, टैंकर खड़े हैं, और जो फायर ब्रिगेड खड़ी है, एम्बुलेंस खड़ी है, उस पे लोग चढ़ चढ़ के बैठे, उसमें क्या दिक्कत है, आने का तो दुनिया आ जाती है, पर दिल कितना लगाया रे। इसीलिए तो भगवान भी पूछेगा तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या, मन कितना लगाया, चित्त कितना लगाया, वृत्ति कितनी लगाई। बैठे थे भगवान, हम तो कथा में जाके बैठे थे। भगवान बोले तुम कथा में बैठे थे तो मैं बैकुंठ में बैठा था, तो तुम हमारे लिए नहीं आओगे। भगवान के दिल लगाने वाली बात है, अगर दिल लग जाता है तो एक छोरा छोरी के मोबाइल का भी खर्चा उठा लेता है, दिल लगाने वाली बात है। एक छोरी और छोरे का दिल लग जाए ना तो छोरी बस इतना कह दे मेरे पास बैलेंस नहीं था इसलिए मैंने मैसेज नहीं करा, मुझसे तो बोल अभी डलाऊ, 500 का एक ही बाहर में डला दिया ले, और फिर बोली महाराज तो मोबाइल खो गया। अरे तुम्हारे साथ चल, उन्हें भुड़ भुड़ करी, खुद के पास में तो 15,000 का उसे दिलाया, 30,000 का, जरा सा दिल लगा और तुम्हारा खर्चा पूरा वो छोरा उठाया, तो जरा सा दिल मेरे महादेव से लगा लो, तुम्हारी जिंदगी का खर्चा भी वही उठाए, लगाओ तो दिल नहीं लगा पा। दिल नहीं, बहुत कठिन है इस मन को, इस दिल को, इस चित्त को परमात्मा से लगाना बहुत कठिन है बाबा, बहुत कठिन। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं तुम्हारे पिता कौन, भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता शिव हैं, शिव का दर्शन मुझे करना है। ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर एक खंभ को, एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, पर्वत घूमते घूमते लिंगायत आकृति में उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया, एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, एक लिंग जैसा स्वरूप प्रकट हुआ। एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई, लिंग का मतलब होता है प्रतिबिंब। ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवताओं का एक प्रतिबिंब शंकर के रूप में मौजूद है पृथ्वी पर विराजमान। पृथ्वी पर विराजमान है आपका एक शिव के रूप में 33 कोटि देवताओं का प्रतिबिंब। पूरे विश्व की भूमि को, पूरे विश्व की भूमि को कहीं से भी खोद कर देख लेना, कोई देवी देवता मिले ना मिले, पर यह विश्वास है कि मेरा शंकर भगवान का शिवलिंग तो इस पृथ्वी के नीचे मिलता है, मिलेगा ही। भगवान कभी नहीं कहता कि मैं ब्राह्मण को मिलूंगा, कि छत्री को मिलूंगा, कि वैश्य को मिलूंगा, कि शूद्र को मिलूंगा। भगवान तो कहता है कि दिल लगा लो मैं उसको मिल जाऊंगा, और मंदसौर की धरा को तो धन्य कहना चाहिए, मंदसौर जैसी पवित्र भूमि कहीं नहीं होगी, मंदसौर की धरा को तो धन्यवाद, कोटि कोटि पुण्यमय भूमि है, जिस भूमि पर सबसे पहले अगर पशुपति नाथ के शिवलिंग का दर्शन हुआ था तो एक धोबी को हुआ था, ये वो धरा है, कोई साधारण भूमि है क्या। कोई जात कोई समाज कभी कमजोर नहीं होती, ये हमारी दृष्टि का भेद है कि हम उसको कमजोर समझते हैं, हमारी दृष्टि का भेद है कि हम उसको नीचा समझते हैं। भगवान शंकर की दृष्टि में कोई कमजोर नहीं, सबसे पहले देवाधिदेव महादेव पशुपति नाथ का दर्शन एक धोबी को हुआ, और धोबी ने देखा कि यहां पर कुछ प्रतिबिंब है, ऐसा लग रहा है कि यह मूर्ति जैसा, बेचारा बहुत सहज सरल, उसको क्या मालूम, वो तो अपनी मस्ती में कपड़ा धोता अपना काम करता, उसको कोई मतलब नहीं। पूरी दुनिया में जितने मंदिर पुराने मिलेंगे तो वहां पर आपको सुनने को मिलेगा, यहाँ एक महात्मा जी रहते थे उनको इनका दर्शन हुआ था, वहां एक दादाजी रहते थे उनको इसका दर्शन हुआ था, वहां पर एक बहुत पहुंचे हुए महाराज रहते थे उनको इनका दर्शन हुआ था। और तुम छाती ठोक कर कह सकते हो मंदसौर वालों कि मंदसौर भूमि पर देवाधिदेव महादेव ने
सबसे पहला दर्शन एक धोबी को दिया था। भगवान देव अधिदेव महादेव भी चाहते थे कि सात जात जुड़ जाएं उससे। भगवान देव अधिदेव महादेव कभी शिव जी के पास, सारे देवताओं के पास और महादेव के पास में अंतर क्या है? महादेव से पूछा, राम जी की शादी हुई सारे देवता आए, भगवान कृष्ण की शादी हुई सारे देवता आए, सारे देवों का विवाह हुआ, भगवान विष्णु की शादी हुई सारे देवता आए, भगवान शंकर की शादी में देवता आए, पर शंकर भगवान से रहा नहीं गया। शिव जी ने कहा मैं तुम्हारे साथ जाके शादी नहीं कर सकता, मेरे को तो मेरे अपने वाले दिखेंगे तो आनंद है। आप लोगों जैसा नहीं है मेरा महादेव। आप लोग तो सोचते हो हमारा चार दोस्त आ गया, हमसे हमारा बिजनेस पार्टनर आ गया, हमारी जिससे अच्छी बन रही वो आ गया, परिवार वाला भले चूल्हा में चले जाए, हमें कोई मतलब नहीं परिवार वालों से, बेन से भी मतलब नहीं, ना भाई से मतलब नहीं, ना कुटुंब से मतलब नहीं, ना रिश्तेदार से मतलब नहीं, सबके भाई से भी मतलब नहीं, जाए चूल्हा में जाए, पर हमारा बिजनेस पार्टनर आ गया ना बस, हमारा व्यापारी आ गया ना बस, उत्ते में तुम खुश हो गए। जब तुम अपने परिवार के नहीं हो सके तो बिजनेस पार्टनर के कितने हो जाओगे रे, व्यापारियों के कितने हो जाओगे रे? पहले तुम अपने परिवार के तो हो, अपने घर में पत्नी रहती है, माता रहती है, पिता रहते हैं, कुटुंब रहता है, भाई बंधु सखा रहते हैं। नहीं, उन्होंने हमारा 50,000 रुपए खा लिया, उन्होंने हमारा 25,000 रुपए खा लिया। अरे एक बार मन में विचार कर, भाई 50,000 खा गया, 25,000 खा गया, 1,00,000 खा गया, 2,00,000 खा गया, ये सोच अगर 50,000, 1,00,000, 2,00,000 कहीं व्यापार में लगाया होता और मां घाटा लग गया होता तो तू उसका प्राण खाता, रोज फोन लगाता कि मेरे पैसे वापिस कर, और लगा के दे छाती पे चढ़कर बोल दे नहीं दूंगा, जा कर ले जो बन जा, क्या कर लोगे, तेरा चेक लगा दूंगा, लगा दे जा, वो भी नहीं डरे। और सगे भाई ने 50,000 खा लिए तो इतना बड़ा भगोने जैसा मुंह लेके घूम रिया, और उसकी घरवाली और उस्ताद खाके बैठे हो, खाके बैठे हो, खाके बैठे हो। अरे ये सोचो कि दूसरा खाता अपने ने खाया है तो क्या दुख है, खा ले कितना खाएगा, पर नहीं, दूसरा घर का नहीं खाना चाहिए, नहीं दिक्कत तो यही आनी पड़ी है। दूसरा खा ले तो दिक्कत यही आनी पड़ी है। ये नीची जात का है, इसके साथ छोरी का ब्याह नहीं करूंगी, ये ऐसी जात का है, इसके साथ ब्याह नहीं करूंगी, और मालूम पड़े वो दूसरा, दूसरा फिर क्या करोगे, उससे अच्छा है सनातनी तो है, हिंदू तो है, धर्म को मानने वाला तो है, सत्कर्म से जुड़ा हुआ तो है, भगवान की भक्ति से लगा हुआ तो है, नहीं फिर वही बात मुसद्दी लाल समझ, दूसरा खा गया। कल एक गाड़ी भर के भेजी थी व्यापार की, डूब गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कहीं तुमने सहन करा कि नहीं करा कि मेरा पैसा वहां चले गया, पर भाई नहीं, भाई खा जाए तो ये सोचो कोई बात नहीं, बेचारा की परिस्थिति ठीक नहीं है, करेगा आज नहीं तो कल देगा। भाई है अपना, बहू है अपनी, कुटुंब है अपना, बहन है अपना, नाते हैं अपना, रिश्ते हैं, ये पुराने समय के कोई संबंध होंगे जो नोच नोच के ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुराना समय, एक सेठ जी सबको उधार पैसा देते थे, उधार देते थे और कहते थे या जन्म में दोगे कि वह जन्म में दोगे, जो समझदार होता था इस जन्म में दे देता था, जो खाने की नियत रखता था तो कितना अगले जन्म में देंगे। उन सेठ जी की भैंस थी, भैंसों ने आपस में बात करा कि क्यों अपन सेठ जी के इतना दूध क्यों दे रहे हैं, तो कि सेठ जी बड़ा चतुर है, पूछता है ब्याज देने से, पैसा देने से पहले कि यह जन्म में दोगे कि वो जन्म में दोगे, जो इस जन्म में चुका देता है वो भैंस नहीं बनता, जो अगले जन्म की के देता है तो भैंस बन के सेठ जी के आ जाता है, और सेठ जी उसका दूध निचोड़ निचोड़ के बेचता रहता है, तो देना तो पड़ेगा कहीं पर भी। तो और तुम्हें अगर भैंस नहीं बनना है तो जिसका पैसा तुमने लिया है ईमानदारी से दे देना रहता था, नहीं तो निचोड़ निचोड़ के तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो कल देना, देना हिसाब तो करना पड़ेगा। फिर वही वाली बात आ गई, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गणी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म अच्छा करना कोई बात नहीं, थोड़ा धीर तो बांधो, होगा सब होगा। उसने खा लिया तो तुम्हारी बीपी शुगर ऊंची नीची क्यों हो रही है, मत करो, शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, यह मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से 21,600 श्वास प्रतिदिन मेरे मालिक ने दी है, प्रतिदिन
तिजोरी भर रहे हो और अपनी तिजोरी खाली कर रहे हो। घर की तिजोरी तो भरा रही है पर ये तिजोरी को भी तो देखो कि कितनी खाली हो गई। बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, रोज 21,600 रोज निकल रही है। कमाने कमाने में घर की तिजोरी तो भरा गई दादा, पर ये तिजोरी खाली हो गई। मुंडा का सारा सोफा सेट निकल गया, सारा सोफा सेट, खिड़कियां खराब हो गई, बक्सों के पास बैठना पड़ रहा है। कई बोल रहा महाराज, इतनी खिड़कियां बेकार हो गई कि यहीं का नहीं दिख रहा। सोफा सेट चले गया, सागौन की लकड़ी का डॉक्टर के पास गया, साजड़ की लकड़ी का प्लाईवुड का लगवाया यार, ऐसा प्लाईवुड का कि रोज निकाल के फ्रिज में रखना पड़ता कटोरी में रोज प्रतिदिन। खाओ जब बत्ती सी याद आती है, पढ़ो जब चश्मा याद आता है, और मरो तब राम याद आता है। धन्य है, खाने बैठे तब याद है, फ्रिज में से बत्ती सी निकाला, मारा मुंडा में बत्ती सी नहीं, फिर खाने के टाइम पे चना खाया, बत्ती सी धोई, वापिस फ्रिज में, ओ पढ़ने चश्मा याद आया। छोरी हरिओ डिग्री, हे छोरी देख मारा चश्मा कहां पड़ा, जाता जरा चश्मा लेके आ बेटा, नानी चश्मा लाना मारा, और चश्मा ली, पढ़ते समय चश्मा याद आया, खाते समय बत्ती सी याद आई, और मरते समय शंकर और राम याद आया। घर के लोग कह रहे दादाजी नहीं पटवे वाला हो, न राम राम बोलो, दादाजी बोले कहीं बोलू हरी बत्ती सी नहीं दे, फ्रिज में धरी। फिर कहीं की छोरी आई, उन्हें क्या दादाजी अब तुम्हारा शरीर कई काम नहीं आई रहा, ठंडा पड़ गया हो, दादाजी बोले तेल दी नहीं मरुआ, चिंता मत करो। फिर तीसरी आई, उन्हें कहा नीचे गोबर से लीप तो दादाजी के सुलाना पड़ेगा, दादाजी के नीचे सुलाया, थोड़ी देर बाद दादाजी बोले रे पानी पता सा लिया, फिर वापस। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान की भक्ति अविरल भक्ति है, अविरल भक्ति। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुम्हारे पिता कौन, मेरे पिता शिव। लिंगायत आकृति में प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी ने कहा इनका चरण कहाँ, शीश कहाँ, भगवान विष्णु चरण ढूंढने जा रहे हैं, भगवान ब्रह्मा शीश ढूंढने जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने आकर कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिला, सत्य एक बार बोलना पड़ता है, और वो भगवान विष्णु ने कह दिया, इसलिए स्कंद पुराण से सत्यनारायण भगवान की कथा निकली है। सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण से निकली है, क्योंकि सत्य बोले थे वो। अब आज का जमाना में तो सब झूठा, नंबर वन का बैठे दुकान पे व्यापारी का फोन आ गया, कहां हो सेठ जी, घर पे, कहां बैठा था, दुकान पे, झूठ झूठ। कितना संसार में झूठ। एक गुरुजी के पास एक चेला पहुंचा, गुरुजी मुझे तुम्हारा फोटो चाहिए। गुरुजी ने कहा मतलब मेरा फोटो का कहीं करेगा नहीं, गुरुजी तुम्हारा फोटो दे दो मेरे को जरूरी चाहिए। कहाँ लगाएगा, तो के दुकान में लगाऊंगा। गुरुजी खुश हो गए, मेरा चेला कितना जोरदार, मेरा फोटो दुकान में लगाएगा। फिर गुरुजी ने पूछा दुकान में क्यों लगाना चाहता है, गुरुजी व्यापारी आते हैं बार बार कसम खाना पड़ती है, तो तुम्हारी खजुआ। गुरुजी बोले आग लगा मारी कसम, एक फोटो मत देना इसको, एक फोटो मत देना। गुरुजी ने कह दिया उस दिन से हमारी सेल्फी कोई नहीं लेगा, कोई फोटो नहीं। अब कसम खाए झूठी तो कहीं मतलब है जीवन, क्या मतलब। कहा भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया, और सत्यनारायण व्रत कथा है ही है पूरी। सत्यनारायण जी की कथा पढ़ लो, पंडित जी से पढ़वा लो, उसमें पांच अध्याय मिलेगा, पांच अध्याय में जितनी बार भी पंडित जी बोलेंगे एक ही बात बोलेंगे, ब्राह्मण के मुख से सुनी, लकड़ारे ने सुनी, सत्यनारायण जी की कथा सुनी, फिर उसने सत्यनारायण जी की कथा कराई, फिर उसने सत्यनारायण जी की कथा सुनी, सत्यनारायण जी की कथा कराई। इस पांच अध्याय में सत्यनारायण की कथा थी कौन सी जो इनने कराई थी और उनने बाची थी,
तो वो पांच अध्याय में सत्यनारायण जी की कथा नहीं, स्कंद पुराण में लिखा है सत्यनारायण भगवान की कथा। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में गए, भगवान विष्णु नीचे गए, पलातल पताल में जाकर भी भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। तब आए ब्रह्मा जी ने आते से पूछा, क्या भगवान आपको चरण मिले? भगवान ने कहा मुझे भगवान के चरण नहीं मिले, बस ये सत्य भगवान विष्णु ने कह दिया था। उस दिन सत्यनारायण भगवान की जय जयकार हो गई। ये सत्यनारायण भगवान की कथा और जो सत्यनारायण की पोथी में लिखे वो पांच अध्याय इसी का वर्णन करते। तब भगवान शिव ने कहा, हे नारायण तुमने सत्य बोला है। 33 कोटि देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, कोई केले के खंभ लिया है, कोई कदली लिया है, कोई मेवा लिया है, कोई पंचामृत लिया है। भगवान विष्णु का अभिषेक करने लगे, नारायण नारायण करने लगे, सत्य नारायण करने लगे। तब भगवान विष्णु की पूजन उस दिन से प्रारंभ हो गई। सत्य नारायण भगवान की जय। तब मालूम पड़ा कि ये सत्य नारायण भगवान है, नहीं तो इतना दिन से तो मालूम ही नहीं था। अपन तो पंडित जी बोलता था कि पांच अध्याय में उनने सत्य नारायण की कथा कराई, तो अपने मालूम तो पड़े कि थी कौन सी। स्कंद पुराण में लिख दिया सत्यनारायण भगवान। अब ब्रह्मा जी से पूछा, तुम्हें क्या भगवान का सिर मिला? ब्रह्मा जी बोले, हाँ झूठ बोल गए, असत्य झूठ। शंकर भगवान को क्रोध आ गया, शिवलिंग में से आवाज आ गई, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो, केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया। शिव जी ने कहा, केतकी सुन, मेरे ऊपर बेकार से बेकार फूल चढ़ जाएगा, कांटा भी मैं अपने सिर पर चढ़ा लूंगा, पर तेरे में कितनी भी सुगंध हो और तू कितना भी सुंदर हो, केतकी के फूल तो मुझ पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से केतकी का फूल शंकर को कोई चढ़ाएगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। उस दिन से केतकी का फूल शिवजी पे नहीं चढ़ा। केतकी ने कहा, गौ माता से पूछ रहा। गाय ने कहा, ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। शंकर भगवान ने कहा, गौ माता झूठ बोलती है, तेरा शरीर पूरा पूजा जाएगा पर तेरे मुख से तूने झूठ बोला, इसलिए तू अपूज्य मानी जाएगी, तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सनातन हिंदू धर्म में कन्यादान आगे से होता है, वस्त्र दान आगे से होता है, मुद्रा दान आगे से होता है, अन्न दान आगे से होता है, स्वर्ण दान आगे से होता है, सारी पूजन हिंदू सनातन धर्म की आगे से होती है। केवल गौ माता का दान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है पीछे से, क्योंकि इसने मुख से झूठ बोला था। सारे मंदिर की परिक्रमा आगे से होती है, पर गौ माता की परिक्रमा पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होती है, क्योंकि इसने झूठ बोला था। जब वो इतना झूठ बोल गई एक बार, तो उसका मुख को कितना श्राप लगा, तो तुम अपना अंदाजा लगा के बैठो कि जी जी हो, तुम कितना झूठ बोलती हो, कितना। ये भाई लोग भी लगा ले थोड़ा बहुत अंदाजा। तुम्हारी जेब में जो यंत्र रखा है ना, जिसको लोग तुम प्रेम से मोबाइल कहते हो, इसका नाम है यम यंत्र। ये यमराज के करीब ले जाने वाला यंत्र है, करीब। देवताओं को भी टेंशन हो गया था, इतनी कथा भागवत हो रही है तो सबकी सब मरमर के बेकुंठ आ रहे हैं, नरक कैसे जाएंगे ये। तो भगवान मत करो, नीचे पृथ्वी पर एक व्यक्ति की बुद्धि बिगाड़ दी है, उसने एक यंत्र बना लिया है, वो दिन भर उस पर 24 घंटे झूठ बोलेगा। ये कितनी कथा सुन ले, मरने के बाद तो नरक जाएगा, झूठ बोलेगा नहीं जाएगा। कितनी समझदारी रखी, भारत भूमि के सारे जितने दर्जी समाज है जो कपड़ा सिलता है, इनमें समझदारी कितनी आई होगी, जरा विचार करिए। संपूर्ण भारत भूमि के जितने दर्जी समाज हैं, कितनी समझदारी होगी कि इन्होंने कपड़ा बनाया, शर्ट बनाई, कुर्ता बनाया, कमीज बनाई और जेब ऊपर लगाई, वो भी उल्टे हाथ पर, क्योंकि दर्जियों को भी मालूम था दिल यही होता है, तो गौमुखी माला इसी में रखना जो दिल के करीब में रहे। पर उसको क्या मालूम था ये मोबाइल फंसा लेगा। दर्जियों ने जेब तो सही लगाई दिल के पास लेफ्ट में, पर उसको मालूम था, उसने तो इसलिए लगाई कि गौमुखी माला कहीं नहीं रखे, तो माला को अपनी जेब में रख लेना था, दिल के पास रहेगी। उसको क्या मालूम था कि मोबाइल को दिल के पास रखेगा, माला तो जेब में पटक लेगा, नहीं घर में पड़ी रहेगी, गौमुखी में टंगी रहेगी, खील पर खूटी पर, उसको क्या मालूम था। उसने जेब इसलिए लगाई कि इस माला को, भगवान की बेलपत्र को, इस प्रसाद को अपनी इस जेब में रखना, दिल के पास, अपने इस हृदय के पास। जब प्रसाद दिल के पास होगा, माला दिल के पास होगी, तो फिर चिंता मत करना, अंत समय में वो परमात्मा मिल ही जाएगा, ये निश्चित है। पर क्या पता कौन ने अकल दे दी इनके कि मोबाइल यहाँ रखो। अच्छा, मोबाइल वाले भी कहते हैं मोबाइल यहाँ मत रखो, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करते अटैक मटक आ जाए तो मत कहना दादा। इनके डराया भी सही बेचारा मोबाइल वालों ने कि ऊपर क्यों डरे, पर नहीं सुधरे कहीं कहीं का, तो इतना चतुर, इन्हें तो डोरी मोरी बांध के नहीं लटक लिया, ले करे करे तो वाइब्रेट करे। और एक दिन फिर पत्नी से बोला, महाराज छाती में दर्द हो रहा है। पत्नी ले गई वहां हॉस्पिटल और डॉक्टर ने कहा अब समय आ गया है। तो इन्हें करा क्या, कुछ ना खाते थे ना पीते, कहीं नहीं मोबाइल ऊपर रखते थे। सबको दिल से लगाया,
पर भगवान को दिल से नहीं लगा सका। अगर एक बार मेरे महादेव को दिल से लगा लेता तो संसार अपने आप तेरा हो जाता, तुझे किसी को लगाना नहीं। महादेव नहीं लग पाए, श्राप दे दिया। गौ माता को भी तेरा मुख अपूज्य होगा, केतकी के पुष्प को भी श्राप दिया। ब्रह्मा जी फिर झूठ बोले तो शंकर भगवान ने अपने पैर के नख को तोड़कर काल भैरव प्रकट करा। काल भैरव ने नख तोड़कर ब्रह्मा जी के सिर को काट दिया। ब्रह्मा जी का सिर कटा, लुढ़कता लुढ़कता गया तो ब्रह्मा जी के रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भारत की भूमि पर उत्तर प्रदेश में ये कर्मनाशा नदी आज भी है, जिस पर यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा कर रखे हैं कि इसमें हाथ ना धोएं, इसमें पांव ना धोएं, इसका स्पर्श ना करें, ये कर्मनाशा है। कर्मनाशा नदी ब्रह्मा जी के रक्त से प्रकट हुई है, ये कर्मनाशा है। अगर इसका स्पर्श भी हो जाएगा, इस पानी को अगर शरीर से लग जाएगा तो तुम्हारे 7 पीढ़ी में जो कर्म किया होगा, जो श्रेष्ठ कर्म किया होगा, वो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत विद्वान जो होते हैं वो कर्मनाशा के जल का छींटा भी नहीं लगने देते। भगवान विष्णु ने कहा ये शीश कटा है ब्रह्मा जी का, इसका क्या करें प्रभु, आप क्षमा कर दो। शंकर तो कर्पूर गौरम करुणावतारम है, शिव तो सहज है, बिल्कुल सरल। सारे देवताओं में केवल एक देव ही है महादेव जो इतने सरल है, जिनको VIP चीज कुछ भी नहीं चाहिए। आप देखना अंदाजा लगा के लिए, इनको ना पीताम्बर, ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना पन्ना, इनके तो एक बेलपत्र ले जाओ चढ़ा दो, वो भी नहीं हो मंदिर की उठा लो, धो लो चढ़ा दो, पानी चढ़ा दो, धतूरा चढ़ा दो, जे भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजाओ, ये भी नहीं हो तो मुंडा से बम बम बोले बोल दो, ये भी नहीं हो तो जाता जाता शिखर का दर्शन कर लो, ये भी नहीं हो तो जहां शंकर का मंदिर है उसके सामने से निकल कर जाओ और शिव को थोड़ी सी स्माइल करते चले जाओ तो भी जगत का कल्याण निश्चित है। इतना सरल और क्या चाहिए बताओ। जिसके द्वार पर भूत प्रेत सब चाकरी करें वह क्या करें, क्या करें, वह क्या कमी होगी, सब कुछ भरा पड़ा है, सब कुछ हृदय चित्त से मन से भगवान से भाव से कहें। ब्रह्मा जी का जो सिर कटा था, कटा हुआ सिर बट वृक्ष बन गया भगवान विष्णु के कहने से। शिव जी से प्रार्थना करी, निवेदन करा तो बड़का पेड़ बन गया, बट वृक्ष बन गया। प्रार्थना में वो बल होता है, वो बल एक बात अपने हृदय चित्त में बिठा कर रखिएगा। प्रार्थना में वो बल होता है कि यदि आपने दिल से हृदय से प्रार्थना करी है तो वो भगवान तक पहुंचती जरूर है, ये निश्चित है। अब कितने लोग जिनका नवरात्र में व्रत है, जरा हाथ उठाओ रे जी, जियो सबका ही है, धर लो आप, धर लो ठीक है। नवरात्र के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए ये तो नहीं मालूम, पर प्राण नहीं खाना चाहिए इतना तो हम कह सकते हैं। रोज रोज किसी के प्राण ना खाओ, जरा बाजार से सामान लिया ना, केले लिया ना, मेरा व्रत है। आधा किलो मूंगफली का दाना ला के रखो, व्रत है। आओ तो पपीता लिया ना आधा किलो। अरे ये तुम इतना प्राण खजाओ और ऊपर से क्यों देवी जी मेरे पर कृपा करे, देवी जी के तू ये भेरू पे तो कृपा कर, तुम्हें तेरे पे कृपा कर, उसमें कौन सी बड़ी बात। प्रार्थना में बल होता है, आप दिल से करी हुई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। एक पत्र आया, देखिए आप, पत्र बहुत सारे हैं पर सबको बांचना और सबको बोलना, बहुत सारे पत्रों का भाव। संगीता पाटीदार भवानी मंडी राजस्थान से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। संगीता जी पाटीदार भवानी मंडी राजस्थान से कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा बेटा CA में 2 बार फेल हो गया था, 3री बार मैंने पशुपति व्रत किए
और दो व्रत से तीसरा व्रत में मेरा बेटा बाबा की कृपा से बेलपत्र का जो प्रयोग आपने बताया था शहद वाला वो करा और उसकी कृपा से मेरा बेटा पास हो गया। मैं बाबा को यहाँ धोक लगाने के लिए आई। शिव तत्व है। एक पत्र और देखिए। काजल गोस्वामी निवासी कुकड़ेश्वर जिला नीमच, श्री सहस्त्रेश्वर मुकेश्वर महादेव की पावन नगरी से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ लाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोलेनाथ की कृपा क्या होती है गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। एक लोटे जल का महत्व क्या है ये बाबा देवाधिदेव महादेव ही जानते हैं और उनके भक्त जानते हैं। मेरी मौसी लक्ष्मीबाई कुकड़ेश्वर के कान में बहुत बड़ी गठान हो गई थी, सभी डॉक्टरों को दिखा लिया था, ऑपरेशन का कह रहे थे और गठान जांच के लिए जाना थी। गुरुदेव बाबा की कृपा से किसी ने कहा कि ऑपरेशन करने से पहले एक बार शंकर भगवान पर जल चढ़ाएं और एक लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्री लाकर उनको खिलाना प्रारंभ करें। शिवजी पर विश्वास करा, एक लोटा जल चढ़ाते बेलपत्र लाकर खिलाना चालू करा। मात्र 15 दिन होने के बाद जांच कराई गई और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 15 दिन के अंदर गठान गल चुकी थी, गठान नहीं थी और जांच में आ गया कि गठान नहीं, ये शिव है। ओ घड़ी। एक पत्र और देखिए, बड़ा बड़े पत्र बहुत सुंदर सुंदर है सारे। मैं कृष्णा मंसूर निवासी हूं। कृष्णा मंसूर से कहीं बैठी हूं तो हाथ हिलाइएगा। आपका ये वाला पत्र है। मैं 3 बार पशुपति व्रत कर चुकी हूं। हर व्रत में जो बाबा से मांगा वो बाबा ने दिया। बाबा ने कोई कमी नहीं छोड़ी गुरुदेव। मैंने जो जो मांगा देवाधिदेव महादेव ने दिया। थोड़ा समय जरूर लगा पर मेरे बाबा ने मेरी झोली खुशियों से भर दी। मेरी बेटी जो कि कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दे रही थी उसका नहीं हो रहा था। बहुत प्रयास करा, हर एग्जाम में पीछे रह जाती, सिलेक्शन नहीं होता। अगला जब सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दिया, शहद का बेलपत्र बाबा शंकर को चढ़ाकर भेजा और बाबा की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी लग गई। इसलिए मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव है। ओ घड़ी। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। सेजल पवार केसर भाई पवार मंसूर मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा जहां कहीं बैठी हो। गुरुदेव भोलेनाथ की महिमा का क्या वर्णन करूं। मैं मंसूर में रहती हूं। मेरी तबीयत खराब हुई, बड़े पिताजी की तबीयत का गड़बड़ हुआ और मंसूर से अहमदाबाद ले गए। रास्ते में उनके हालत गंभीर हो गई और डॉक्टर ने जब ले जाकर कहा तो उन्होंने कहा इनको लाने से कोई फायदा नहीं था, अब इनमें कुछ भी नहीं है। हालत खराब हो गई, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि अब ये नहीं है। शिवजी पर विश्वास था, भगवान शंकर पर विश्वास था, आपकी कथा में एक लोटे जल का महत्व सुना था, इसलिए गुरुदेव उसी समय 9:15 रात्रि के समय पर एक लोटा जल शिवजी के मंदिर में जाकर चढ़ाया। वो पानी लेकर आए और मेरे बड़े पापा के मुख में रुमाल, क्योंकि पात्र नहीं था, मंदिर का ही जल लेकर चढ़ाया था, रुमाल गीला कर लाए थे, उस रुमाल को उनके मुंह में निचोड़ा। शिवजी की कृपा से डॉक्टर ने कह दिया था कुछ नहीं है, वो वापिस उनको श्वास वापिस आ गई और वो जीवित हुए। ये शिव कृपा, ये शंकर कृपा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। आपका विश्वास कितना है भगवान पर, आपका भरोसा कितना है भगवान पर। और जितना विश्वास दृढ़ी होगा मेरा देव अधिदेव महादेव आपके सामने हर पल खड़ा मिलेगा, ये निश्चित है। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भरोसा प्रबल होना चाहिए। कितनी अकड़ में कहते हो ना आप लोग, जब बात होती है कोई बात बिगड़ जाए ना तो तुम कहते हो अभी फोन लगाता हूं, अभी रोक 2 मिनट रोक, तो मुझे कहीं समझता है। और उन्हें अपना फोन बैग में से निकाला जीजी ने और लगा दिया अपना छोरा से, छोरा कहाँ है तू, जरा आके देख, मेरे को बैठने नहीं दे रहा है आगे, आ तो जरा
और छोरा आया धक्का क्या क्यों रे तो मुझे जानता नहीं है। और वो अपने साथ में चार छह छोरा उनके लिए किया गया। जरा सी देर लगती है और तुम अकड़ में के देते हो, मैं अभी फोन लगाऊंगा, अभी दो मिनट लगे और अभी बुलाऊं क्या तो मुझे समझता क्या, मैं अभी बुलाऊं तो मुझे समझता क्या समझता। और दो मिनट फोन लगाया और आया तो किसी ने कहा जैसे हम फोन निकाल के और तुरंत लगाएं और परिवार वाले आ जाते हैं तो क्या शंकर जी भी ऐसे आ जाते हैं। तो हमने कहा बस तुम जोरदार तरीके से एक बार मन से, तुम्हें फोन लगाने की भी जरूरत नहीं, सिम रखने की भी जरूरत नहीं, मोबाइल रखने की भी जरूरत नहीं, केवल दिल से कह दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ गया डायरेक्ट आता है डायरेक्ट, बस कहना पड़ेगा दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से, भाव से कहना पड़ेगा। और कहोगे तो वो आएगा जरूर, ये निश्चित है, पहुंचेगा जरूर। लगाओ उसको भी। ब्रह्मा जी का सिर कटा, बट का वृक्ष हो गया। समय आया, ब्रह्मा जी ने पूछा सृष्टि रचना कैसे करना है आप बता दीजिए। शंकर भगवान ने सृष्टि रचना का क्रम समझा दिया, खूब समझाया। कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं होता जो आपको नहीं समझाता कि घर में कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, कुटुंब में कैसे रहना चाहिए, वो समझाता है। जितने लोग कथा सुनने आए हैं आस्था चैनल पर, जितने लोग सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, जितने लोग सुन रहे हैं और इस कॉलेज ग्राउंड में जितने लोग कथा सुन रहे हैं मंदसौर की पावन धरा पर, एक ध्यान लगा कर रखना अपनी जिंदगी में कि शिव महापुराण की कथा में नहीं गए हो। एक कार्ड बनता है, जिस कार्ड को अपने पास रखो तो किसी किसी के पास वो कार्ड रहता है कि रेल का पैसा भी नहीं लगता, बस का पैसा भी नहीं लगता, फ्री में सफ़र हो जाता है, खाने का सामान भी कार्ड दिखा दो तो आ जाता, ये कार्ड से सब काम हो जाता है, ना टिकट का पैसा लगे। रेलवे वाला पूछे टिकट कहाँ है, कि कार्ड देख ले। बस वाला पूछे क्यों बैठ गए, टिकट कहाँ है, क्योंकि कार्ड देख ले। कार्ड दिखाया बस का सफ़र हो गया, कार्ड दिखाया रेल का सफर हो गया, कार्ड दिखाया सामान मिल गया। वो कार्ड एक बार बनवा लो कि एक बार शिव महापुराण 7 दिन की जहां हो रही हो वहां बैठकर सुन लो, एक कार्ड बन जाएगा, वो कार्ड ऊपर तक काम आएगा। कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि तुम क्या चाहिए, तुम तो बस जाते ही अपना कार्ड दिखा देना कि मेरे पास ये कार्ड है, पूछेगा वो, पूछेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, पूछेगा ये कमला ये कहाँ गई तू, तो कमला कहेगी मैंने मंदसौर में कथा सुनी थी और माँ मैंने एक कार्ड बनवाया था। कहाँ है कार्ड, ये वो कागज का था ही नहीं, फिर वो तो केवल भजन का था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस कार्ड का नंबर ही है ये, बस जहां तुमने बताया तो चित्रगुप्त महाराज और धर्मराज यमराज भी कह देंगे इसको रोकना नहीं, ये कमला भाई है और ये नीचे मंदसौर में कथा सुन के आई है, इससे भिड़ना मती और कुछ बोलना मती, वैसे भी मंदसौर वालों से भिड़ना मती, कमला भाई है ठीक है जाने दो ऊपर, इनसे मत भिड़ना। यहाँ शंकर भगवान पशुपति नाथ स्वयं जब एक धोबी को दर्शन दे सकते हैं तो ये मंदसौर की धरा हल्की पुल्की नहीं है, यहाँ सब शिवमय है, सब शंकर है। यहाँ पशुपति नाथ अगर एक मंदसौर के एक धोबी को भी दर्शन दे सकते हैं तो ये साधारण धरा नहीं है, कंकर शंकर की भूमि है, ये कोई सहज नहीं है। कितनी बड़ी बात होगी, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो साधना कर 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 चले गए वो भगवान को नहीं पहचान पाए और एक साधारण सा धोबी भगवान के शिवलिंग को पहचान कर एक वो किसी के पास अग्रवाल जी के यहाँ जाकर कह दिया कि वहां मैंने शंकर को देखा है। संत साधु तप कर 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 मर जाते हैं, वो भगवान को नहीं पहचान पाते हैं और एक धोबी पर कृपा कर दी। और जाति का लेवल लगाकर हमने नीचा ऊंचा कर दिया, ये धोबी है, ये है, ये वो है, नहीं,
जब मेरे शंकर के यहाँ भेद नहीं, शंकर भगवान ने कहा यह भेद हो भी हो पर शिव का दर्शन इसको प्रथम हुआ है। जहां संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब हल्के रह गए वहां धोबी के सामने प्रकट हुआ। सहज नहीं है शिव को जानना। शंकर भगवान कभी ऐसा नहीं है कि उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके सामने सब बराबर है, उसके सामने कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब सम रहता ही शमशान में। उसका नाम है शमशान, सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो घास पर, गरीब भी जाता है तो घास पर, वहां सबकी शान सम है इसीलिए उसका नाम सम शान है। बहुत सबका ध्यान रखता है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। उसके पास पहुंचे और राख का ढेर बन गए। उसने कहा अकड़ में मत रहना, अकड़ में मत रहना। वो कहता है समझाता है मेरे पास रहना। एक अकड़ आई थी वो भीम को, कितना अकड़ता था, कितना हर बात में भगवान कृष्ण के सामने अकड़ के खड़ा हो जाता था। तुम मुझे जानते नहीं हो, ये कौरवों को तुम्हें एक गदा से मसल दूंगा। अकड़ में नहीं देना। कभी भी कभी अकड़ भी समाप्त हो जाती। कई एक एक हम पहले दिन जब आए ऊपर जहां हम ठहरे हैं, वो कौन सी बिला है, हर्ष बिला में जहां ठहरे हैं, तो वहां एक व्यक्ति ने कहा गुरुजी इतना बड़ा टेंट लगाया, इतना बड़ा डूम लगाया कि आखिरी के 7 दिन तक भर ही नहीं सकता। वो पशुपति नाथ है, उन्हें कहा रुक जा दादा, मैं भी मोटा तो ये ले मोटा। पहले दिन सारे तंबू फूल, गेंद पाली पे। अब इन्हें सोचा कल और बढ़ाया, तो बिचारों ने चारों तरफ बढ़ाया। ऐसा नहीं सेवा भारती वालों ने इनंग भी बढ़ाया, उनंग भी बढ़ाया, उधर भी बढ़ाया। अब ये सोच में पड़े अपन जाएंगे किधर रे, अब किधर बढ़ा। भीम को अकड़ थी, भीम को अहंकार था। भीम ने कहा एक गदा के बल पर मैं सबको मसल दूंगा। भगवान भी भगवान थे। भगवान कृष्ण ने कहा भीम सुनो तुम लंका चले जाओ। भीम ने कहा लंका और मैं काहे के लिए, लंका में जाना और मेरी एक पहचान वाली रहती है उसको लेकर आ जाना। तुम्हारी पहचान वाली, हाँ कृष्ण की पहचान वाली हो लंका में, हाँ। तो भीम ने कहा मां तो राम जी की पहचान वाली होना चाहिए, मां कृष्ण की पहचान वाली कहां से आ गई, कहां त्रेता कहां द्वापर। भगवान कृष्ण बोले नहीं नहीं मां मेरी पहचान वाली रहती है, तुम लंका जाओ, वहां पर विभीषण के वंशज मिलेंगे, विभीषण के छोरा छोरी मिलेंगे और वहां पर एक मंदोदरी मिलेगी, तुम मंदोदरी को लेकर यहां जाना, बस इतना सा कर सकते हो क्या। भीम ने कहा ये मंदोदरी कौन, वो रावण की धर्म पत्नी, हाँ बस उसको लेकर आ जाओ और कुछ। रावण की पत्नी मंदोदरी को, हाँ। तो इतने में भीम बोले मंदोदरी को लाने की जरूरत क्या है, इतना इतनी भीड़ में, इतने युद्ध के मैदान में, इतने सारे बड़े बड़े योद्धा वीर रहेंगे, तो यह डोकरी कहीं करेगी, ये बूढ़ी का क्या काम, यह बुजुर्ग का क्या काम। नहीं नहीं तो उसको लिया। भीम ने कहा इतने से काम के लिए मेरे को भेज रहा। युधिष्ठिर ने कहा भीम जब द्वारकानाथ ने कह दिया कि मंदोदरी को लेने जाओ लंका तो जाओ। भीम ने कहा ठीक है। और भीम इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाला पहुंच गए लंका में। विभीषण के वंशज थे, विभीषण के वंशजों ने कहा कौन हो आप। भीम हूं मैं हस्तिनापुर से आया हूं, मुझे मंदोदरी काकी से मिलना है। मंदोदरी से आपको मालूम नहीं, वो हमारे घर की सबसे बुजुर्ग माता है, हम जानते हैं, दादी की भी दादी पर दादी की भी दादी है वो। अच्छा बहुत बुजुर्ग है ना वो, बहुत है तो कि निपट गई नहीं है। भीम ने कहा कहाँ है, तो कहा एक कमरे में बंद रहती है, आती नहीं बाहर। अच्छा मेरे को ले चलोगे क्या, चलो। भीम को ले गए मंदोदरी काकी के कक्ष में, प्रणाम करा भीम ने मंदोदरी को। मंदोदरी काकी भीम आया। मंदोदरी ने दिए का प्रकाश लिया, उजाले में देखा कौन हो तुम बाबू, कौन हो। मैं भीम, कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है, बड़े बड़े शूरवीर राजाओं का युद्ध हो रहा है और तुम्हें युद्ध देखने के लिए द्वारकानाथ ने बुलाया। मंदोदरी ने कहा द्वारिका नाथ, हाँ वही द्वारकानाथ, हाँ
जो देवकी के गर्भ से जन्मे हैं, हाँ, यशोदा की गोद में खेले हैं, हाँ, उन्हीं ने तो आपको युद्ध देखने बुलाया है। मंदोदरी ने पूछा, युद्ध किसका है, किसका युद्ध है? भीम कहते मेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध है, मेरे जैसे वीरों का, जो एक गदा के बल पर सबको मसल सकता है। मंदोदरी ने कहा, भीम तुम्हारा युद्ध है तो अवश्य देखने चलूंगी, पहले कुछ स्नान वगैरह कर लो, कुछ खा लो, फिर चलते हैं। पूरी लंका में विभीषण को ज्ञान देने वाली, रावण को ज्ञान देने वाली, मेघनाथ को ज्ञान देने वाली, अक्षय को ज्ञान देने वाली, रावण की दो धर्म पत्नियां और थी, पर वो कभी रावण को नहीं समझाती थी, केवल एक ही समझाती थी, वो मंदोदरी थी। इतनी विद्वान, इतनी ज्ञानी, इतनी शिव की भक्त थी। केवल त्रेता में ही नहीं, द्वापर में भी उसने ज्ञान दिया है। भीम भोजन कर लो, स्नान कर लो, फिर अपन चलते हैं। भीम ने कहा, ठीक है, कहाँ जाऊं स्नान करने? कहीं पर भी, जहां तुम्हारा मन पड़े वहां चले जाओ। भीम गए नहाने के लिए, पूछा यहाँ कोई तालाब सरोवर है? चले गए तालाब ढूंढने लगे, एक तालाब मिला, उसमें कूद गए, कूदे समुद्र में। भीम कूदते थे स्नान करने के लिए, समुद्र की थाह को एक सेकंड में छू कर वापिस आ जाते थे। एक तालाब में भीम कूदे, निकलने में 3 दिन निकले, 3 दिन लगे भीम को उस तालाब में से निकलने। तालाब में से भीम निकल ही नहीं पाया, 3 दिन लग गए। 3 दिन बाद भीम निकल कर आया, मंदोदरी काकी के पास पहुंचा। काकी चलें? काकी ने पूछा, क्यों रे इतना दिन का गया था, आवारा है? हाँ काकी, समझ में नहीं आया, समुद्र में कूदता था तो था छूकर एक सेकंड में आ जाता था, पर ना जाने कौन सा ऐसा तालाब लंका में है जिसमें कूदा तो कूद कर 3 दिन में निकल कर आया। मंदोदरी ने पूछा, तू नहाने गया कहाँ था? भीम कहता है, मंदोदरी काकी जो लंका के पीछे तालाब है ना, उसमें नहाने गया था। मंदोदरी कहती है, रे भीम जिसको तू तालाब कह रहा है ना, वो मेरे देवर कुंभकर्ण के सिर की हड्डी पड़ी थी, उसमें पानी भरा गया था, तू उसमें नहाने गया तो 3 दिन में निकल के आया। 3 दिन में? देवर कुंभकर्ण के सिर की हड्डी में से निकलने में तुझे 3 दिन लग गए, और तू कहता है मेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध है? विचार कर रे भीम, जिसका देवर के सिर की हड्डी इतनी गहरी थी, जिसमें से निकलने में तुझे 3 दिन लग गए, तो तू काय का वीर? भीम की आंख से आंसू झड़ रहे। आंख में से आंसू भीम के निकल रहे। ये जो अभिमत्ता है, ये अभिमान, ये अहंकार, जब तक सत्ता रहती है, जब तक वैभव रहता है, जब तक कुर्सी रहती है, जब तक पद रहता है, जब तक व्यक्ति अकड़ में जी लेता है, पर जैसे ही कुर्सी से उतरा, जैसे ही पद से गया, फिर कौन पूछे ऐसा? ये तो लोग चिल्लाए जम जम के, बस जगह जगह दीवार पे लिख दें, चलो दिल्ली, चलो चलो दिल्ली, चलो चलो दिल्ली, चलो चलो दिल्ली, चलो। और आज 1 महीने से प्रचार करा, दिल्ली चलो दिल्ली चलो, पहुंचे तो डंडा मिले, चार्ज खूब मारा, वापिस आ गए। लोगों ने पूछा, कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे। काय को गए थे? दूसरी जगह जाओ तो पराठा खाओ, मैं डंडा खा, कौन किया जाए, कौन कहेगा? भीम रो रहा है, आंख से आंसू निकल रहे हैं। अहंकार जब टूटता है तब रोना, अभी नहीं। अभिमान जब टूटता है तब रोना आता है। इतनी अकड़ से कहते थे, मेरी मां पहचान, मेरी मां पहचान, मेरी मां पहचान। और जब कोरोना बीमारी आई तब किसी की पहचान काम नहीं आई, फिर वही बचा जिसको महादेव ने रचा, बाकी के तो जवान से जवान 2 मिनट में निपटते चले। देरी नहीं लगी, कई लोग तो कह रहे थे हमारे मोहल्ले में तो एक अम्मा ऐसी रही, उसकी सांस चले, इसको जरूर कोरोना होगा, और डोकरी आज तक जिंदा कथा में बैठी, कथा सुन रही, और उसके पास में अच्छा नवयुवक छोरा रहे, 40 साल का, घर परिवार सब संभाल रहा, मालूम पड़े कोरोना हुआ, निपटी पड़ा। कारण क्या था? उसने मोहल्ले वालों से पहचान बनाई थी, और डोकरी ने महादेव से पहचान बनाई थी। संसार के लोगों की पहचान डरी रह गई, और महादेव से जो पहचान थी, सारी समस्या का हल
जमके जमके जरा जमके बोलो, एक लोटा जल, वो जो पहचान बनी थी वो बच गई, अकड़ रह गई सारी। मेरे पास बैग भर के पैसा है, हॉस्पिटल में पलंग बुक कर दो भैया, वेंटिलेटर लगा दीजिए भैया, ऑक्सीजन दे दीजिए, मैं पैसा देने को तैयार हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, टैक्सी भरी है, गाड़ी भरी है, मेरी तिजोरी भरी है, तुम सब लगा लो, पर इसको जिंदा कर दो, इसको रख लो। नहीं हो सकता, एक संबंध बना लेता, जिंदगी भर निंदा में लगा रहा, बुराई में लगा रहा, गलत काम में लगा रहा, गलत विचारों में लगा रहा, जब मौका मिला, जब अच्छा काम धर्म का समाज में हो, परिवार में हो, कुटुंब में हो, राष्ट्र में हो, तो बन सके, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, हाथ आगे बढ़ाने का प्रयास करो, पर पांव बढ़ाने का नहीं। जिंदगी भर निंदा बुराई में लगा रहा, और अंत यह हुआ कि निपटी पड़ा, तब कौन आया? तो यहां शिव तत्व को जानो, कुछ नहीं रखा संसार में, गाड़ी बंगला सबके पास है, सब पेट भर के भोजन कर रहे हैं, ये जितने बैठे हैं, चाहे तुम सोफा पे बैठ जाओ, चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, चाहे जमीन पर बैठ जाओ, चाहे खड़े रहो, चाहे बैठ जाओ, सब का अंदाजा लगा कर रखना, सब अपने घर में सुखी हैं, सब अपने घर के राजा हैं, सब दो रोटी प्रेम से खा रहे हैं, एक स्वीपर है वो भी दो रोटी प्रेम से खा रहा है, एक सेठ है वो भी दो रोटी खा रहा है। तुम भले रूखी खाओगे बीपी के कारण, भले शक्कर नहीं खाओगे शुगर के कारण, पर गरीब से गरीब व्यक्ति चैन की दो रोटी बहुत प्रेम से खा लिया, अलमस्त होकर वो घर में आराम से जिंदगी जी रहा है, बासी भी खाए तो आनंद से खा रहा, उसे कोई टेंशन नहीं है, अलमस्त जिंदगी जी रहा। जितने हॉस्पिटल में काम करते हैं, जितने स्वीपर लगे रहते हैं हॉस्पिटल में, पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं हॉस्पिटल में, तुम्हारे को देखने के लिए आ रहे हैं, एक बार उन सारे स्वीपरों को जो नगर पालिका में काम कर रहे हैं, जितने स्वीपर काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, उन स्वीपरों को जो अनेक जगह पर लगे होकर काम में तल्लीन रहते हैं, सेवा में तल्लीन रहते हैं, एक बार उनका दिल से स्वागत करना कि तुमने कोरोना महामारी में, हम तो घर के अंदर दुबक के बैठे थे और तुम सेवा में लगे हुए थे, कहां थे? सेवा के अंदर। तुम्हारे घर के लोगों को फोन लगाया, दादाजी मर गया, जाओ कि अंतिम संस्कार तुम ही कर दो, पन्नी में पैक करके भेजा, तुम दूर खड़े होकर आग लगा रहे थे, दर्शन कर रहे थे मोबाइल पर, और वो उस बॉडी को भी उठा कर ले गए, आग भी लगाया, खड़े भी थे, बेटों का फर्ज भी अदा कर दिया, अदा करा। पहचानो, जानो, हम जिंदगी में नफरत करते रहते हैं, ये जाति का, ये जाति का, ये जाति का, एक काय की जाति का, जो शंकर का है वो सबका है, कोई जाति का नहीं, शिव है शिव। अंत समय में तुम्हारी नाम शोहरत क्या है वो मतलब नहीं, मां तो बॉडी कहलाएगी, अंतिम संस्कार में यही कहलाएगा कि ये मरी गया, लाश है, बॉडी है, उसमें नाम नहीं रहेगा, बस निपट गए। भीम का अहंकार गया, आंखों से आंसू गिर रहा था, मंदोदरी हाथ जोड़ कर कहती है, भीम मैंने राम जी के सम्मुख में जब रावण मरा तब खूब रोई, तो मेरे राम ने कहा था, क्यों रोती है मंदोदरी, क्यों रो? तेरा पति मर गया इसलिए रो रही है, तेरा पुत्र मर गया इसलिए रो रही है? मंदोदरी कहती है, पति और पुत्र ये तो सब संबंध संसार के हैं, मरना तो सबको है, मैं इनके लिए नहीं रो रही, तो क्यों रो रही है? रोने का कारण केवल एक है, मेरे दरवाजे पर राम आया और मैं उसको पहचान नहीं सकी, उसको प्रणाम नहीं कर सकी, उसके पास नहीं जा सकी। लोग अकड़ में भगवान के पास नहीं जा पाते, इतनी बड़ी शिव महापुराण की कथा होगी, कईयों को अकड़ होगी, हम काय को जाएं, हमें नहीं जाना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अकड़ परमात्मा से दूर कर देती है, मेरी अकड़ थी, मैं नहीं जा पाई, मेरे राम का दर्शन नहीं कर पाई, तब मैंने राम जी से कहा था, मरने से पहले एक बार दर्शन जरूर करा देना, भगवान ने कहा था मेरा अगला कृष्ण अवतार होगा, मंदोदरी मैं तुझे बुलाऊंगा, तू आना जरूर, मैं तुझे युद्ध का दर्शन कराऊंगा, मेरा दर्शन होगा तेरे लिए, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। मंदोदरी को भगवान कृष्ण राम ने वचन दिया, तेरे लिए मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तू कह रही थी राम कहां है, मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गई युद्ध के मैदान में, राम नहीं दिखे क्योंकि मैं युद्ध में लगा हुआ था, तो मेरा दर्शन नहीं कर पाई, अब की बार युद्ध नहीं लड़ूंगा मंदोदरी। राम कहते हैं, मंदोदरी तेरे लिए रथ में सबसे आगे बैठा मिलूंगा कि तुझे मेरा दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए, सब युद्ध लड़ेंगे, और कृष्ण सारथी बनकर बैठा केवल मंदोदरी के लिए कि तू मेरे को देख सके अच्छे से, दर्शन कर सके मेरा अच्छे से, तेरे लिए खड़ा। और वो मंदोदरी कहती है, अब मुझे द्वारका के दर्शन करना नहीं जाना, अपने प्राणों को मंदोदरी ने त्याग दिया था केवल राम कृष्ण का नाम लेकर। सहज क्या, आप अपनी जिंदगी को पहचानो, क्यों मंदसौर में शिव महापुराण की कथा हो रही है, क्यों नवरात्रि में मिली मंदसौर वासियों को,
कि ये नवरात्रि साधारण नहीं है, 5 मिनट भी जाकर अगर बैठ गए और शंकर की कथा का अनुमोदन कर लिया तो जीवन सार्थक हो गया। क्यों, किस लिए मिली? उसको धन्यवाद दो, देवाधिदेव महादेव को तेरी कृपा से मिली है। थोड़ा चलना जरूर पड़ सकता है, थोड़ी भीड़ जरूर है, पर भगवान की शरणागति, ये मौका मिले ना मिले ये तो उसके भरोसे पर मिल गया, शिव तत्व मिला। ब्रह्मा जी को शंकर भगवान ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया, अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं और बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन कथा आज द्वितीय दिवस की यहाँ विराम ले रही है। भगवान शिव की कथा का स्तुत्व करते हुए कल कथा में प्रवेश करेंगे।